CityLIVE, a platform to sharing your thoughts. City Dialogue में आज हमारे साथ है अनूप कुमार खंडेलवाल, किराना किंग के CEO और founder, जिन्होंने हमारी कॉलोनी, हमारे मोहल्ले की किराना की दुकानों को बड़ी-बड़ी कंपनियों की organized retail से सामना करने, उनकी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया और बड़े बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और साथ ही एक रिटेल चेन यहाँ पर स्थापित की. इस सफर में क्या रही चुनौती और क्या है आगे इनकी योजनाएं, इस पर बातचीत करेंगे. साथ ही जो दिवाली ड्रॉ है उसके बारे में भी जानकारी करेंगे. और अनूप खंडेलवाल हमारे साथ हैं. खंडेलवाल साहब, जिस तरह का आपने सोचा था जो योजना थी किराना किंग को, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी और दूसरी तरफ एक अनऑर्गेनाइज रिटेल था, उसको ऑर्गेनाइज करना, तो इस योजना में कहाँ तक कामयाब रहे? राइट. देखिए, ये एक योजना था जो हमारी, जो ये योजना थी और योजना है, तो सबसे पहले इसको कंसीव करने में बड़ा टाइम लगा. ठीक है, कि करना कैसे होगा, क्या होगा, फिर लोग इसके अंदर बिलीव कैसे करेंगे, तो एक बहुत बड़ी जर्नी है. लेकिन जब हमने इस सोच को जब ग्राउंड पर जब लागू किया और लोगों को जब इसका फ़र्क महसूस हुआ, तो लोगों का सिलसिला काफिला जुड़ता गया. डेफिनेटली शुरू के 10-15 दुकानों को लेकर हमको काफ़ी चैलेंज होते थे, बट वो चैलेंज धीरे धीरे हमारे सामने बेसिकली वो ख़त्म होते चले गए. क्योंकि देखिए, कभी भी कोई जब चीज़ नई जब होती है थोड़ी सी अजीब सी लगती है. तो अभी हम लोग बिल्कुल परिपक्व हैं और लोगों को हमारी चीज़ समझ में आ रही है कि वास्तव में किराना किंग कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है. तो बिल्कुल चीज़ें बढ़िया चल रही है और परिवर्तन से ही प्रगति होगी, ये हम लोगों ने लोगों को प्रूव कर दिया है. जब जो रिटेल के पुराने व्यापारी हैं, उनके आपने शॉप्स को पूरा इंटीरियर चेंज किया और जिस तरह हमने फील किया है, हमारे आसपास भी कुछ किराना की कई दुकानें थी, उनमें से एक किराना किंग से साथ जुड़ने के बाद उसका पूरा फील चेंज हो गया, वहाँ पर अंदर इंटीरियर चेंज हो गया. व्यापारियों का किस तरह से इसमें जब आप मिले तो किस तरह का उनका रुझान रहा? राइट. देखिए, उनका थोड़ा सा एक जिसको हम बोलते हैं भाई डीलिंग विद द माइंडसेट, चेंजिंग विद द माइंडसेट, थोड़ा सी उनके दिमाग में कई तरह के सवाल जवाब होते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. तो जब उनको डिटेल में जब हम बताते हैं तो उनका इमिडिएटली माइंडसेट चेंज हो जाता है. तो उनका पूरा सपोर्ट है हमारे को. ठीक है, और अल्टीमेटली देखिए क्या है, हम लोग उनके विकास की बात कर रहे हैं. सही है. तो देखिए, 10 लोगों से मिलते हैं, हो सकता है 2 को कुछ चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, तो बट मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ में टकराते हैं तो उनको हमारा प्रपोजल बढ़िया लगता है और वो परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं. CityLIVE, a platform to sharing your thoughts. आपका जो सामना था, जो कंपटीशन है, वो बड़ी कंपनियों के साथ है. right. जब आप आए थे मैदान, आपको पता था कि मुझे किसके साथ चैलेंज करना है. right. तो क्या एक इसमें एक डर भी था? right. या इस चुनौती को सामना करने के लिए आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला? राइट. देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये चुनौती दुकानदारों के लिए है, हमारे लिए नहीं है. देखिए, तो दुकानदारों के सामने जो चुनौतियाँ आ रही थी, तो दुकानदारों को उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए हमने एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को तलाश किया कि हम कोई बिज़नेस इनको कॉम्पिटिटिव बनाने का तैयार करें या इनसे कॉम्पिटिशन करने का करें. तो हमने कहा लोगों को कॉम्पिटिशन करने दो, हमारा बिज़नेस मॉडल ही ऐसा तैयार करेंगे कि इनको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे. तो हमारा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, इन दुकानदारों का जिनसे कॉम्पिटिशन है, तो हमारे सारे सोल्यूशन उनके लिए हैं. डेफिनेटली आने वाले समय में जब कोई भी कंपनी हमारे जैसे बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है और दुकानदार के पास कई ऑप्शंस होते हैं, तो वो एक हमारा कंपटीशन होगा. तो उसके लिए हम उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें. अभी आपका जो पूरा मैकेनिज्म क्या है, किराना किंग ऑन जो आपकी भी स्टोर्स हैं और दूसरे जो रिटेलर्स हैं उनके हैं, कितने ये कहाँ तक पहुँचे, कितने स्टोर्स हो चुके हैं अभी तक? देखिए, किराना किंग के जितने भी जो स्टोर्स हैं वो इंडिविजुअली रिटेलर्स द्वारा ही चयनित हैं. हमारा कोई स्टोर्स नहीं है, हम लोग कोई भी ओन्ड स्टोर ऑपरेट नहीं करते हैं. तो जितने भी जो किराना किंग के जो स्टोर्स हैं मार्केट के अंदर, वो सारे इंडिपेंडेंट ओनर्स द्वारा ही ड्रिवन है. कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड एक भी स्टोर नहीं है. तो किराना किंग एक बेसिकली मैनेजमेंट की तरह काम कर रहा है ताकि उनकी सोच को, यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स या जो जो सहयोग उनको कर सकता है तो वो लोग हम कर रहे हैं. बाकी एवरी शॉप, हर दुकान इंडिविजुअल रिटेलर के द्वारा ही चलाई जाती है. एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा कि किराना किंग पर ऐसी क्या USP है, या यहाँ से ही क्यों खरीदारी करें ग्राहक, क्या उसे खास मिलेगा जो दूसरी जगह नहीं मिलेगा? देखिए, पहली बात तो देखिए, हम लोग कभी भी दुकानदार को ये नहीं बोलते हैं कि हम तेरे को कोई ग्राहक ले आएंगे या तेरे को सामान सस्ता दे देंगे.
तो डेफिनेटली ग्राहक तो उसके पास अभी भी था, पहले भी था और आगे भी रहेगा, बट जमाने के हिसाब से जो चीज़ें बदल रही है तो उस हिसाब से हमारे जो प्रयास हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को एक बढ़िया सा लुक एंड फील चाहिए, ईजी गोइंग चाहिए, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, जितनी भी जो कंज्यूमर बिहेवियर्स हैं, तो धीरे धीरे उन किराने की दुकानों पर जो कस्टमर की जो आवश्यकता है जिसको हम फील करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्राहक उससे जुड़ा होता है और नए ग्राहक भी आते हैं, तो ये इस तरह से उसकी ग्राहकी में मतलब उसके उसके धंधे में वृद्धि होती है बेसिकली। कितने जो रिटेलर हैं अभी तक जुड़ चुके हैं किराना किंग से? जयपुर में हमारे पास इस प्रोग्राम के साथ 100 दुकानें हमने कंप्लीट कर दी है और टोटल करीबन 50,000 स्क्वायर फीट एरिया हमने कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली, क्योंकि रिटेल के अंदर स्क्वायर फीट एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हमारे हिसाब से कि जो भी हमारी जो अचीवमेंट है हम लोग इसको बढ़िया मानते हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ किराना किंग के और किराना किंग की टीम के विशेष प्रयासों के माध्यम से, तो डेफिनेटली ये हमारी एक अचीवमेंट मानते हैं और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और मंथ ऑन मंथ हम ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ग्रो करते रहेंगे। क्या है टारगेट, आगे लक्ष्य क्या है? टारगेट जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले भी हम लोग बोलते रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है 7,000 स्टोरों तक को 14 शहरों के अंदर हम लोग पेनिट्रेट करें, ये हमारा एक लक्ष्य है। बाकी देखिए समय समय के हिसाब से जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ती है, तो लक्ष्य जो है ना वो बड़ा होता रहता है जैसे जैसे कामयाबी मिलती है, बट हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आज हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। ये दिवाली पर जो आपने ऑफर निकाला इसके बारे में बताइए, कौन बनेगा किंग? तो देखिए कौन बनेगा किंग उसका चुनाव तो शायद मेरे हिसाब से शाम को होगा, ठीक है, बाकी छोटे किंग बना चुके हैं। तो हमारा एक जो दिवाली के ऊपर कुछ करने का मन था कंज्यूमर्स के लिए, तो हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जहाँ स्टोर स्पेसिफिक मिनी ड्रा हो और मेगा ड्रा जो आज शाम को हम करने जा रहे हैं वो हो, उसका रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा और कंपनी जितना प्रयास कर सकती है उतना हम लोगों ने किया और उसको एग्जीक्यूट किया। थैंक यू सर। तो ये हैं किराना किंग के फाउंडर और CEO अनूप कुमार खंडेलवाल, जिन्होंने बड़ी कंपनियों से सामना करने के लिए, उनकी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनको तैयार किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया और आज स्थिति यह है कि राजधानी जयपुर में 100 से ज़्यादा रिटेलर इनके इस कंसेप्ट से जुड़ चुके हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएँ दे रहे हैं। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ BK शर्मा, CityLIVE, जयपुर। CityLIVE, a platform to sharing your thoughts.